कॉन्फ्रेंस में सबको मेरी ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और सभी का स्वागत है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोगों का मकसद है कि हमारी पार्टी के तरफ से आगामी 16 अक्टूबर को अखिल झारखंड महिला संघ की ओर से जिला सम्मेलन कराने की बात कही गई है, जिसमें झारखंड जिला से 2400 जिला से जिला में ये महिला सम्मेलन होने की बात है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि आगामी राज्य भर में 24 जिला में महिला संघ का सम्मेलन होना है। उस सम्मेलन में के माध्यम से संगठन का पुनर्गठन पे विचार होना है और उस संगठन में जितने भी लीडर्स आएंगे उनकी लीडरशिप क्वालिटी को उभारने की एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो होना है इस पे भी चर्चा होनी है। आज हमारे झारखंड प्रदेश में, चूंकि हम सब महिलाओं का यहाँ पे अगुवाई कर रहे हैं, हमारा पार्टी जिला सम्मेलन कर रहा है, लेकिन आज की वस्तु स्थिति झारखंड में महिलाओं के प्रति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज दिन ब दिन किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, महिलाओं का शोषण किस हद तक गुजर चुकी है, हमारे इस राज्य के झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारा उपराजधानी जो दुमका है, वहां के आए दिन जो घटना महिलाओं के ऊपर हो रही है ये काफी निंदनीय है। और इस दुर्घटना होने के बाद भी यहाँ की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर को सख्त नहीं कर रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम महिला होने के नाते ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ घटना घट रही है, सरकार का एक अंग होता है इस कानून को सुधारने के लिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। जो यहाँ पे महिला आयोग की जो बात हुई होती है, आज तक 2.5 साल होने के बावजूद इस सरकार ने महिला आयोग के पद को जो खाली रखा है इस पे भी झारखंड सरकार को सोचने की बात है, यहाँ के मुख्यमंत्री को ये सोचने की बात है। यही मुद्दा को लेकर हम लोगों ने महिला जिला सम्मेलन करने की बात कही है। और जिस तरह से पिछले सरकार ने यहाँ पे अपनी सरकार बनाने से पहले अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए जो जो वादे किए थे, आज वो कहीं पे धरातल पे उतर नहीं रही हैं। आज यहाँ पे सरकार अपनी योजना प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो योजना का लाभ जो है, ये योजना का लाभ यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक जो मिलना चाहिए। हम लोगों का भी एक रिपोर्ट है कि आज तक यहाँ पंचायत स्तर पे किसी भी गरीब लोगों को उनके हक और अधिकार आज भी वंचित रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से योजनाओं और प्रखंड स्तर पे काफी योजनाओं का बौछार हो रहा है, लेकिन अगर ये नजर उठा के देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये योजना सफल नहीं मानी जा रही है। एक खानापूर्ति और एक फाइल को लेके ये सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। आगे मैं चाहूंगी कि जो घोषणा पत्र में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो 50% का रिजर्वेशन का बात किया था, आज वो धरातल पे नहीं है। आज महिलाओं के लिए अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि प्रत्येक महिलाओं को चूल्हा खर्चा 2000 रुपये देंगे, आज भी वो धरातल पे नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम महिलाएं आज एक हो रही हैं और आने वाले दिन में हम लोगों का संगठन का विस्तार के साथ हम लोगों के कार्यक्रम भी बृहत होंगे। और आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी महिलाओं के लिए सशक्त आवाज नहीं बनेगी तो महिला अपने हक और अधिकार को लेने के लिए पूरे इस झारखंड में एक नए संगठन बनाकर नई ऊर्जा के साथ हम लोग अपने क्षेत्र में उतरेंगे। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं, खासकर मीडिया बंधु, जो इस प्रेस वार्ता के बाद हमारी आवाज पूरे झारखंड में महिलाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हुए अपने वक्ता को अंत करती हूँ। आज जो झारखंड की स्थिति है वो किन्हीं की से छुपा हुआ नहीं है। आज गांव हो या शहर हो, हर जगह महिलाओं पे अत्याचार हो रही है,
डायन बिसाही का मामला आ रहा है, कहीं देखा जाए तो 6 वर्ष की बच्ची में बलात्कार हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार और जो वर्तमान हमारे मुखिया मुख्यमंत्री हैं हेमंत सरकार, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम जो रिक्त पद है महिला आयोग की अध्यक्ष, उसको कम से कम भरा जाए। आज महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी, अपनी व्यथा कहाँ सुनाएगी। कम से कम महिला आयोग की अध्यक्ष रहती थी तो पहले वहां तक बहुत सारी चीजों की वहां पर समाधान होता था, लेकिन आज महिलाओं की कहीं भी बात को सुना नहीं जा रहा है। और खास करके जो सरकार ने वादे किए थे कि हम चुनाव, उनका जो घोषणा पत्र था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% की आरक्षण दिया जाएगा, प्रत्येक गांव में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी, गरीब परिवार की महिलाओं की 2000 प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।